तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका हमारे चैनल कार्टून लेजेंड्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बेमिसाल और धमाकेदार टॉपिक के बारे में, और वो है अगर इस दुनिया में कार्टून नहीं होता तो हम लोगों का क्या होता, क्या आपने कभी भी सोचा है? अच्छा छोड़ो, हम ही बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस दुनिया के बच्चों के ऊपर कार्टून का एक बहुत ही बड़ा हाथ है। तो 1940s के टॉम एंड जेरी से शुरू कर बेब्लेड, पोकेमॉन, बेन 10, ड्रैगन बॉल जी, डोरेमोन और भी ना जाने कितने सारे कार्टून्स हैं जो आजकल के बच्चे लोग देखते हैं। और टॉम एंड जेरी वाला कार्टून तो इतना अच्छा था कि वो हमारे मॉम और डैड भी देखते थे। और बहुत सारे कार्टून जैसे कि शिनचैन फेमस तो है, पर उसको देखने से बहुत सारे लोगों के माता पिता उनको डांटते हैं क्योंकि शिनचैन बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करता है, पिछवाड़े भी दिखाता है। और भी ऐसे बहुत सारे शोज हैं जिनको देखने के लिए बहुत सारे बच्चे उतावले हो जाते हैं, स्कूल से दौड़ते दौड़ते आके यूनिफॉर्म ना छोड़ के, खाना ना खा के टीवी के सामने बैठ जाते हैं अपना फेवरेट शो देखने के लिए। और भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो खाते वक्त, पीते वक्त, पढ़ते वक्त, टॉयलेट करते वक्त, नहाते वक्त हर समय अपने फेवरेट कार्टून के बारे में सोचते रहते हैं। तो अब क्या, तो अगर यही कार्टून इस वर्ल्ड में ना होते तो इन बच्चों का सारा कंसेंट्रेट फुल स्टडीज में जाता। पर क्या आपने कभी भी सोचा है अगर बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं मिलता तो उनका क्या होता? तो जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट 5 ईयर्स में ओवर पॉपुलेशन की वजह से इतनी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गए हैं कि बच्चों के खेलने के लिए जो प्लेग्राउंड्स थे वो भी कम पड़ गए हैं। हमारे मम्मी पापा के बचपन से लेकर हमारे बड़े भैया के बचपन तक तो सब कुछ ठीक ही था, पर हमारा क्या होगा? तो आजकल हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता सकते क्योंकि वो अपने ज़रूरी काम में बहुत ही बिजी रहते हैं, और पिछले टाइम से हमारा स्टडीज़ भी बहुत बढ़ गया है। तो आपने कभी भी सोचा है अगर इन सब भी करते रहें और हमारे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना रहा तो हम क्या करेंगे? इसका आंसर है कि सारे बच्चे डिप्रेशन में पड़ जाएंगे क्योंकि ज़्यादातर तो हमारे मम्मी पापा काम पर बिजी रहते हैं या फिर अपने स्मार्टफोन्स पर ज़रूरी काम करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि प्लेग्राउंड्स भी अब ज़्यादा नहीं रहे, तो हम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में पड़ जाएंगे अगर कार्टून नहीं हुआ, क्योंकि कार्टून देखने से एटलीस्ट हम कुछ देर तक तो अपने जो स्ट्रेस है हमारे ऊपर उसको थोड़ा कम कर सकते हैं और अपने आप को भी बहुत ही फ्री फील कर सकते हैं। और सच बात बोलूँ तो कार्टून नहीं होता तो और भी एक चीज़ होता, और वो ये होता कि हमारा ये जो कार्टून लेजेंड्स वाला चैनल है जो आप अभी देख रहे थे वो नहीं होता, और बड़े बड़े यूट्यूबर्स के जो ये कार्टून से रिलेटेड चैनल है जैसे कि पोकेमॉन गुरुजी और टून क्लैश वगैरह वगैरह, उनका भी यूट्यूब चैनल नहीं होता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो पर तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था दैट कि इस दुनिया में कार्टून नहीं होता तो क्या होता, पर हम सोच रहे हैं कि इस टॉपिक पर बहुत सा रिसर्च करके फुल डिटेल्स के साथ Part 2 बना के आपके सामने पेश करें। और अगर आपका इस बारे में कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। और मैंने इस वीडियो में जो जो भी बोला है उसको थोड़ा ध्यान से सोचो, और ये मत सोचना कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि सारा दिन कार्टून देखते रहो, पर थोड़ा सा कार्टून देखना भी तो बनता है भाई, क्योंकि हमको एनर्जेटिक फील और हमारे थोड़े एंटरटेनमेंट के लिए जो भी हो। तो आप एक काम कीजिए, बाहर खेलिए, स्टडीज़ कीजिए और उसके साथ साथ थोड़ा कार्टून भी देखिए, आपका माइंड थोड़ा फ्री रहेगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ और भी बहुत सारे रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और सबको बताइए कि कार्टून हमारे लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है, और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करने के लिए थोड़ा हेल्प भी कीजिए भाई लोग। सो फाइनली लेट्स टेक अ चिल पिल गाइस, उठाइए अपने मैजिक फिंगर्स को और कर दीजिए इस वीडियो पर लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसी मजेदार वीडियोस और देखनी हो तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, एज वेल एज हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स पहले से ही मिल जाएंगे। सो टाटा, सी यू लेटर।